जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉफी पेन में। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने परागण एवं निषेचन के बीच क्या अंतर है उसको जाना। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सीड या बीज। ठीक, तो बीज के बारे में आज तक आप लोगों ने वीडियो में कहीं ना कहीं जाना होगा कि बीज क्या होता है, तो उसी पर आज हम लोग एक विस्तृत चर्चा करेंगे। तो बीज पुष्प के अंडाशय में विकसित होने वाला निषेचित एवं परिपक्व बीजांड है। क्या है? निषेचित एवं परिपक्व बीजांड। और एक प्रारूपिक बीज में आपको कुछ अंग देखने को मिलेंगे, वो अंग कौन कौन से होते हैं उन पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपको बीजावरण देखने को मिलेगा, मतलब सीड कोट। उसके बाद बीजांड द्वार, ठीक, फिर भ्रूण, ये तीन आपको देखने को मिलेंगे, बीजावरण, बीजांड द्वार और भ्रूण। भ्रूण के अंतर्गत आपको तीन भाग फिर देखने को मिलेंगे, या इसके अंतर्गत तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? भ्रूण के अंतर्गत नंबर एक बीजपत्र, लघु स्तंभ और भ्रूण पोष। ठीक, तो समझते हैं सबसे पहले बीजावरण क्या होता है। तो बीजावरण जो होता है दो स्तर का बना होता है, जिसमें बाहरी मोटे स्तर को हम लोग बाह्य बीज चोल तथा भीतरी पतले स्तर को हम लोग अंतः बीज चोल कहते हैं। तो ये बीजावरण की बात हो गई। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो था बीजांड द्वार। वो क्या है कि भाई बीज के एक सिरे पर स्थित एक सूक्ष्म छिद्र को हम लोग बीजांड द्वार कहते हैं। भ्रूण की बात करें तो यह बीज का मुख्य अंग होता है, और इसके तीन भाग कौन कौन से होते हैं? बीजपत्र, लघु स्तंभ, भ्रूण पोष। तो भ्रूण के अंतर्गत जो पहला भाग है बीजपत्र, उसकी बात करें तो यह भ्रूण की पत्तियां होती हैं जिनकी संख्या एक या दो होती हैं। लघु स्तंभ की बात करें तो यह भ्रूण का मुख्य अक्ष है। इसका ऊपरी भाग बीज पत्रोपरिक तथा निचला भाग बीज पत्राधर कहलाता है। बीज पत्रोपरिक का ऊपरी सिरा प्रांकुर कहलाता है। बीज पत्राधार का निचला सिरा जो होता है वो मूलांकुर कहलाता है। भ्रूणपोष जो तीसरा पॉइंट है वो क्या होता है? तो यह बीज का भोजन संग्रह करने वाला एक विशेष ऊतक होता है। ठीक, तो बीज की बात हो गई, इसके तीन अंग बीजावरण, बीजांड द्वार और भ्रूण की बात की, और भ्रूण के अंतर्गत तीन भाग बीजपत्र, लघु स्तंभ और भ्रूणपोष। आप चित्र को देखिए जो है मटर में अधोभूमिक अंकुरण प्रदर्शन। ठीक, तो बीजों में अंकुरण कैसे होता है उसकी बात करेंगे। तो चित्र आप देखिए, समझिए कि कहाँ पे बीज पत्राधर है, मूलांकुर है, बीजावरण है, प्ररोह है, ठीक, प्राथमिक जड़ है। तो बीजों में दो प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। कौन कौन सा? एक तो अधोभूमिक होता है और एक उपरिभूमिक होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अधोभूमिक की, कि बीजों में दो प्रकार का अंकुरण होता है, उनमें पहला कौन सा है? अधोभूमिक। तो इस प्रकार का अंकुरण में क्या होता है कि बीज पत्राधर की वृद्धि हो जाती है और बीज पत्रोपरिक सक्रिय होकर लंबाई में वृद्धि करता है, जिससे प्रांकुर भूमि तल से ऊपर निकल आता है, किंतु बीज पत्र भूमि तल के नीचे ही रह जाते हैं, जैसे चना, मटर, गेहूं आदि में अधोभूमिक अंकुरण होता है। ऊपरी भूमिक में क्या होता है कि इस प्रकार के अंकुरण में बीज पत्राधार तेजी से लंबाई में बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप बीज पत्र भूमि तल के ऊपर निकल आते हैं, जैसे इमली और सेम, मूंगफली में आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पे एक अंडी में ऊपरी भूमिक अंकुरण प्रदर्शित किया गया है, ये चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं आराम से। तो ये बात हम लोगों ने कर ली अधोभूमिक और उपरिभूमिक की। तो आगे हम देखते हैं कि जो बीजों में अंकुरण होता है तो कौन कौन सी आवश्यक परिस्थितियां होती हैं जो बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भोजन की। तो अंकुरण के लिए भोजन आवश्यक होता है भाई, या बीज पत्रों या भ्रूण पोष में संचित रहता है, और संचित भोजन के अभाव में अंकुरण नहीं होता। तो भोजन बहुत ही ज़रूरी होता है। जल की बात करें तो जल की उपस्थिति में जीव द्रव्य सक्रिय हो जाता है, अतः बीज के अंदर सभी जैविक क्रियाएं तेज हो जाती हैं। पानी को अवशोषित कर बीजावरण मुलायम हो जाता है, जिससे मूलांकुर या प्रांकुर आसानी से बाहर निकल आता है। तो भोजन की बात हो गई, जल की बात हो गई, आगे ऑक्सीजन की बात हो गई। तो अंकुरित बीजों को श्वसन के लिए भाई ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इससे भोजन, इसके द्वारा भोजन का अपचयन होता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है और बीज के अंदर होने वाली विभिन्न जैव क्रियाओं के
काम आती है। ऐसे ही चौथा पॉइंट है तापक्रम। तो बीजों के अंकुरण के लिए कुछ ताप हो मतलब कि बहुत आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से आप 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान बीजों के अंकुरण के लिए उपयुक्त होता है। प्रकाश भी जरूरी होता है कि कुछ प्रकाश संवेदनशील बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक होती है। ऐसे बीज प्रकाश रागी बीज कहलाते हैं, जबकि अधिकांश बीज प्रकाश की अनुपस्थिति में भी अंकुरण करते हैं। तो ये थी आवश्यक परिस्थितियाँ बीजों के अंकुरण के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बीज क्या होता है और उसके कौन कौन से अंग होते हैं इनके बारे में जाना, और कौन से और अंकुरण जो होता है ना, बीजों का अंकुरण वो कितने प्रकार से अंकुरण होता है इसके बारे में चर्चा की, और अंकुरण के लिए जो आवश्यक परिस्थितियाँ हैं इनके बारे में जाना। तो आज का वीडियो जो है बीज का यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अपने अगले वीडियो में बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।